बहुत अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब होंगे और बीर टीम को इसका फायदा जरूर मिलेगा। इनफॉर्म हरिश्चंद्र ने अभी फॉर्म में है, उनको भी आना है बाकी खेलने के लिए। अनिरुद्ध अपनी पहली ओवर डालने के लिए तैयार। मेन अंपायर में जीतू खोपड़े, अनुभव का बहुत बड़ा पहाड़ जिन्हें कहा जाता है जीतू खोपड़े। अनिरुद्ध अपनी पहली गेंद डालने के लिए ऋषिकेश स्ट्राइक पे है। फुल लेंथ का बॉल, पहला ही गेंद अच्छा खोद के निकला यहाँ पर ऋषिकेश ने। यही कह रहा था मैं कि ये जो होम ग्राउंड है इसकी वजह से अनिरुद्ध की बॉलिंग और बैटिंग बहुत ही फायदा हो रहा है उनको। बिल्कुल सुलेमान, घर का मैदान है, घर के जमीन पर अगर खेलते हो तो बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। देखिए स्लिम डाउन पर क्या बेहतरीन फील्डिंग की है समीर पाटिल ने, लाजवाब फील्डिंग, 30 यार्ड दायरे के अंदर अच्छी फील्डिंग। यकीनन अपने एक टीम के लिए 4 रन यहां पर बचाए समीर पाटिल ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन हालांकि यहां पर बल्लेबाजी होनी चाहिए, 4 ओवर का मुकाबला है। इस बार एज लगा था टॉप एज लगा था, लेकिन संदेश पाटिल ने वहां पर गलती कर दी। शॉर्ट थर्ड मैन पर मौका बन सकता था यहां पर, रन आउट का गवा दिया संदेश पाटिल ने। बिल्कुल समीर पाटिल उन्हें बता रहा है कि भाई पहले गेंद पकड़ो, गेंद को हाथ में लो, फिर आप थ्रो करो। एक रन मिलेगा, इस एक रन के साथ खाता खुलता हुआ बीट टीम का। ये भी होगा बिग फाइट मुकाबला, ये हाई वोल्टेज मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और एक मेरा बिल्कुल जैसे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होता है ना, वैसे मुकाबला आपको देखने को मिलेगा इस मैदान के अंदर। बीट बनाम जामरुंग, गेंदबाज तैयार, इस बार उड़ाया गेंद को, ऊंचाई भी लंबाई भी वाइडेस्ट लॉन्गन के ऊपर से 6 रन। यही कहा था मैंने अभी कि दीपक पाटिल का भी होम ग्राउंड है ये, उन्हें पता है ऋषि अनिरुद्ध के गेंद किस तरह से लहराती हुई आएंगी और किस दिशा में मारना है। 40 प्लस में खेलते दीपक पाटिल, ढाकटी पंडरी प्रशांत दादा के टीम में मल्लार फाइटर। बिल्कुल सुलेमान, ये 40 प्लस के खिलाड़ी है, लेकिन देखिए अभी भी तजुर्बा देखिए, हुनर देखिए उनका मैदान के अंदर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। ये सीखना होगा दीपक पाटिल की ओर से, जो युवा खिलाड़ी है ना, एक अच्छी सीख यहाँ पर देते हुए। इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते दीपक पाटिल, लेकिन देखिए एक तीर तो एक मेरी, एक क्रिकेट का नियम है, जैसे ही 6 मारे पिछली गेंद के ऊपर और यहाँ पर अनुरुद्ध ने वापसी की अगली गेंद के ऊपर, टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। मेरे साथ ही स्कोरर यहाँ पर बैठे परेश पवार, उनका भी स्वागत करना चाहूंगा मैं। कदमों का इस्तेमाल, स्टेप आउट करके गेंद को खेला, सिली मिडॉप पर डायरेक्ट हिट करने का प्रयास प्रशांत खांडेकर का, नाकामयाब प्रयास तो अच्छा किया था। वो बराबर जानते हैं कि अगर दीपक पाटिल का विकेट यहाँ पर गिरा, डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं किया था, जानबूझ के किया था, डायरेक्ट हिट अगर होता था तो वापस आना पड़ता था दीपक पाटिल को। टोटल वहीं पे रुका हुआ 8 रनों पर, पहले ओवर का यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है, 8 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए सुलेमान, ये मुकाबला बहुत अहमियत रखता है क्योंकि खचाखच भरा हुआ यह स्टेडियम, ये ट्रॉफी जारी है आई एकपुरा ग्रुप जामरुंग की ओर से, ये इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया 2023 की ये ट्रॉफी, लाजवाब आयोजन, बेहतरीन आयोजन, तारीफ जितनी भी की जाए जो कि कम है। दूसरा ओवर फेंकेंगे गेंदबाज संदेश पाटिल, बबलिया सामने है बल्लेबाज दीपक पाटिल। देखिए 4 ओवर का मुकाबला है, पहले ओवर में आया 8 रन, महज 8 रन तो यकीनन पहले ओवर में आया है, लेकिन 8 रन से कुछ नहीं हो सकता, पिछले मुकाबले में देखा
तो 84 रन बनाए थे महड़ के सामने यही टीम गांव देवी जामरू ने, उसी हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी बीड के बल्लेबाजों को। गेंदबाज तैयार संदेश पाटिल, इस बार गेंद को फ्लिक किया, गेंद को खेला फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, ये गेंद जाएगी 4 रन। इतना अगर रूम आप दोगे तो फिर उसका काम ज्यादा भुगतना पड़ेगा 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए रूम का भी भाड़ा बहुत बढ़ चुका है आजकल, इतना रूम दोगे ना तो फिर भाड़ा आपको भरना पड़ेगा गेंदबाज को। अच्छी गेंदबाजी यहां पर करनी बेहद जरूरी संदेश पाटिल को। और यहां पर अंपायर बाहर निकल चुके हैं जीतू खोपड़े साहब, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ और स्क्वायर लेग अंपायर हमारे दिनेश खोपड़े साहब। इन दोनों अंपायरों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है उन्होंने खरवाई टीम के लिए और आज इस प्रतियोगिता में अंपायरिंग कर रहे हैं, लाजवाब अंपायरिंग उनकी। इस बार एज लगा है, गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग पर और खराब फेंकी, वहां पर खराब फेंकी प्रशांत तांडेल के द्वारा, खराब फेंकी। दो रन आसानी के साथ यहां पर पूरे किए, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पंद्रह रन टोटल बन चुकी है, गेंद हवा में थी, शॉर्ट फाइन लेग पर लपकने का मौका था प्रशांत तांडेल के और, लेकिन काफी दूर थी उनसे गेंद, लेकिन खराब फेंकी की वहां पर, खराब थ्रो वहां पर। संदेश पाटिल तैयार बोलिंग मार्क पर, सामने बल्लेबाज दीपक पाटिल, इस बार भी ये गेंद आउटसाइड द ऑफ टर्म, काफी बाहर फेंका, अंपायर बाहर निकल चुके, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, खराब गेंदबाजी का मुजहरा दिखाते हुए घर के मैदान पर, घर के जमीन पर संदेश पाटिल। यहां पर वापसी करनी होगी, यहां पर अच्छी लाइन और लेंथ से गेंद फेंकनी होगी गेंदबाज संदेश पाटिल को। यहां पर मेरे साथी कमेंटेटर आ पहुंचे दीपक तांडेल साहब, उनका भी यहां पर स्वागत करना चाहूंगा मैं। इस बार देखिए कहीं पे नहीं गए, कहीं पे नहीं जाना, इस बार चूके दीपक पाटिल, एक रन दौड़ के पूरा किया, इस एक रन के साथ टोटल बनता हुआ बी टीम का 17 रन, 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यकीनन बल्ले बल्ले संपर्क हुआ था बॉल, ओके ओके, 17 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब होंगे स्ट्राइक रन पर ऋषिकेश कर्णोक, सामने है गेंदबाज संदेश पाटिल। इस बार गेंद को स्टेयर कर दिया, गेंद जा रहे कवर में, वहां पर अमोल पाटिल जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, जानते हैं अमोल पाटिल काफी खतरनाक का फील्डर है। एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज ऋषिकेश कर्णोक को और इस एक रन के साथ टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। हालांकि दूसरा ओवर जारी है, पहले ओवर में आए थे केवल 8 रन, अब तक यहां पर दिए संदेश पाटिल ने 10 रन, टोटल बनता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार देखिए थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही थी, तेज तरार गेंद फेंकी थी गेंदबाज संदेश पाटिल ने और चकमा दिया बल्लेबाज दीपक पाटिल को, डॉट बॉल। ये होगा क्रिकेट में ये होगा इस मुकाबले में, क्योंकि ये मुकाबला बिग फाइट मुकाबला होगा, ये मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। कदमों का इस्तेमाल, टाइमिंग मिस यहां पर, प्रशांत खांडेकर गेंद के नीचे, ये नहीं छोड़ेंगे कैच को लपक लिया गया स्लिम ड्रॉप पर और यहां पर विकेट का पतन, बैक टू द पवेलियन दीपक पाटिल। मास्टर दोन षटकांचा या ठिकाणी खेळ संपतोय, दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 18 धावा लागल्यात धाव बलकावर, परंतु दीपक सारखा मोहरा या ठिकाणी गमावला येतो बीड संघानं।
नरेश पाटील मला मगाशी म्हटले होते जो जांबरू म्हणजे दीपक मागच्या सामन्यामध्ये खेळला नाही पण जांबरूच्या बरोबर नक्कीच खेळला आणि त्याबद्दल फलंदाजी करत होता दीपक करला एक अनुभव नरेश पाटील यांच्याकडे वारंवार सामने पाहायला असतात खेळायला असतात नरेश पाटील उद्या तुम्हाला पाहायला मिळतील 14+ मध्ये जांबरूच्या संघामध्ये नक्कीच या ठिकाणी चेंडू पुरवायचे तर चेंडू बदली करायचं या ठिकाणी तर मी म्हणतो होतो की या ठिकाणी जर 4 षटकांचा या ठिकाणी हा सामना होणार आहे 4 षटकांमध्ये जर दीपकला माहीत आहे या ठिकाणी 50 धावांच्या वरती धावा केल्या तर आपण त्या धावा नक्कीच रोखू शकतो जांबरू संघाला परंतु जांबरू संघ सुद्धा चाणाक्ष आहे त्याला माहिती आहे या ठिकाणी हे जे खेळाडू आहेत बीड आणि जांबरू संघ किंवा खरवे संघ असू द्या लगातार सर्वांमध्ये एकमेकाच्या बरोबर खेळत असतात एकमेकाच्या बरोबरीनं एकाच ग्राउंडवर खेळत असतात सचिन तांडेल बॉल सचिन तांडेल चेंडू पुरवायचे सचिन तांडेल चेंडू नक्कीच या ठिकाणी जसं पाहिलं तर सुरेख गोलंदाजी केली होती ती अनिरुद्ध खांडेकर यानं अनिरुद्धनं चांगली गोलंदाजी केली होती परंतु त्यानंतर आलेला संदेश पाटील थोडासा महागडा ठरलाय परंतु त्याने दीपक सारखा मोहरा नक्कीच या ठिकाणी टिपला आणि नक्कीच कुठेतरी सामन्यामध्ये पुन्हा परतला या ठिकाणी जांबरू संघ परंतु आता सलामीला आलेला फलंदाज ऋषिकेश एक लेदर क्रिकेटचा जो खेळाडू सतत लेदर क्रिकेटवर खेळतो तोच खेळाडू या ठिकाणी मैदानात स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला वाटा हरीश चंदने ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा पुरस्कार घेतला होता जवळजवळ 15 चेंडूंचा सामना करताना 32 धावा खुटल्या होत्या तोच हरीश चंदने आता मैदानात आता उतरलेला आहे मात्र गोलंदाजी जोरा सांभाळतो या ठिकाणी समीर पाटील एक तेज तप्ता रफ्तार गाजलेला हा गोलंदाज जांबरू संघाकडून समीर पाटील पहिला चेंडू फुलटॉस करून घेतला चेंडू खाली येते सनी पाटील पण त्याला या ठिकाणी चेंडू काही मैदान चेंडू आता सीमा पार चौकार सामने पाहायला मिळतील जसे एक क्रिकेटचे सामने या ठिकाणी तशाच पद्धतीने सामने उद्या खुडोलीच्या मैदानात छकड्यांच्या शर्यती होणार आहेत नक्कीच प्रत्येकाच एक आवड असते कुणाला क्रिकेट आवडतो कुणाला छकड्यांच्या जंगी शर्यती परंतु या ठिकाणी प्रसाद पाटीलचा मी उल्लेख करेल फॉर्म मध्ये असलेला बोलूया सामन्याकडे समीर पाटील पुढचा चेंडू घेऊन सुरेख चेंडू टाकतोय पहिला चेंडू फुलटॉस चांगला त्याच्यावर मार खाल्ला त्यानंतर अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय समीर पाटील आपल्या संघासाठी आणि या ठिकाणी धाव चेंडू जी सांगता होते धाव संख्या मात्र तेथे स्थिरावली धाव संख्या होती ती 22 हॅलो 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 सुरेख फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि हा चेंडू आता सीमा पार षटकार हॅलो चेंडूवर मात्र अनिरुद्ध जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं हा चेंडू नक्कीच या ठिकाणी 4 धावा मात्र वाचवले अनिरुद्ध खांडेकर यानं आणि सुरेख त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण केलंय आपल्या संघासाठी आता मात्र नक्कीच या ठिकाणी इनसाइड एज लागते बॅटची कडा लागते आणि या ठिकाणी बाद होतोय तो फळ
14 धावांची बहारदार खेली करून या ठिकाणी परततोय तो ऋषि आपल्या संघासाठी चांगले या ठिकाणी योगदान दिले ऋषिने, परंतु इनसाइड लागून त्या ठिकाणी झेल मात्र टिपला निखिल जोशी या यष्टिरक्षकाने आणि बाद झालाय तो ऋषि, त्याची जागा घेण्यासाठी आलाय नवीन फलंदाज ऋतिक केदारी या ठिकाणी फलंदाजीसाठी आला. अजून हरिश्चंद्रने ज्याची बॅट अजून तळपायची बाकी आहे या ठिकाणी खरोखर तो वाट बघतोय त्या ठिकाणी, परंतु समीर पाटील यांनी खरोखरच एक मिक्स गोलंदाजी केली या ठिकाणी. सुरेख फटका पाहायला मिळतो, चेंडू खाली अनिरुद्ध खांडेकर आणि या ठिकाणी अनिरुद्ध खांडेकर चेंडू केल्यानंतर नक्कीच बाद होतोय तो फलंदाज ऋतिक. प्रतीक पाटील एक होतकरू खेळाडू या ठिकाणी, दीपक पाटील आणि हरिश्चंद्रने याच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन प्लेयर्स या बीड संघामध्ये तयार होत आहेत. नक्कीच या ठिकाणी या जोडीला नैनिश पाठारे मात्र नक्कीच या ठिकाणी दिसत नाहीये आणि नक्कीच त्याची कमतरता या ठिकाणी बीड संघाला भासते. मात्र या ठिकाणी आता स्ट्राईकला येतोय तो हरिश्चंद्रने आणि गोलंदाजीसाठी येतोय तो जांबरुंग संघाचा एक वंडर बॉय निखिल जोशी. वा व्हाट अ कॅच. नक्कीच या ठिकाणी जसं पाहिलं तर सुलेमान या ठिकाणी हरेशसाठी पैसे लावत होता आणि त्याच चेंडूवर मास्टरचा उठ्या व षटकाचा पहिलाच चेंडूवर या ठिकाणी हरेश मात्र मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये बाद होतोय. सुरेख झेल त्या ठिकाणी टिपतोय. सागर तांडेल 30 धावा संघाच्या असताना 30 धावा लागल्या धाव फलकावर, आता मात्र नवीन फलंदाज आलाय तो बीड संघाकडून विशाल सुखदरे. नक्कीच या ठिकाणी मात्र यष्टीला चिकटून उभा राहिलेला हा यष्टी रक्षक समीर पाटील. निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता होते, जखडून ठेवलंय निखिल जोशी यांना, अचूक टप्प्यावर मारा करतोय आणि या ठिकाणी जखडून ठेवलंय ते बीड संघाच्या फलंदाजांना विशाल सुखदरे. हा सुद्धा एक नवीनच या 3-4 वर्षामध्ये तयार झालेला हा खेळाडू मी पाहतोय बीड संघाकडून खेळताना. वारंवार चांगली गोलंदाजी करतो, चांगली फलंदाजी करतो बीड संघासाठी आणि या ठिकाणी मात्र नक्कीच यष्टी चीत करतोय तो समीर पाटील. अरमान सीएससी हॉलचे संघनायक कुठे दिसत नाही, त्यांना विनंती असेल की आपण आलात तर नक्कीच या ठिकाणी आपली उपस्थिती नोंदवा. अरमान सीएससी हॉलचे कप्तान दीपक तांडेल देखा जाए तो यहाँ पर जैसे लग रहा था कि पहले ओवर में जो बारी खेली थी दीपक पाटील और ऋषिकेश कर्णुक ने लाजवाब, ऐसा लग रहा था कि यह स्कोर 50 के ऊपर जाएगा, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल अमोल पाटिल एक ऐसा शख्स है, काफी खतरनाक खिलाड़ी है, सहवाग के नाम से जाने जाते हैं अमोल पाटिल. सदानंद पाटिल भी वहां पर है. निखिल जोशी की पहली गेंद, फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला, इस बार गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर से चरण कमांडी.
योगेश तांडेल यांची सुपुत्र आपण म्हणतो या ठिकाणी समिधा या ठिकाणी आले. ती सुद्धा चांगलं कार्य करते क्रिकेटमध्ये. तिचं देखील आपण मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करूया. अगदी नक्कीच योगेश तांडेलचं नाव रोशन करणार यात तिला मात्र शंका नाही आहे. नक्कीच मिळावं ही इच्छा आहे. रणजीमध्ये ती खेळावी अशा आपण शुभेच्छा देऊया. चांगला फटका मारलाय. चा चेंडू जातोय या ठिकाणी मात्र आउटफील्डला थोडीशी खराब आहे. प्रशांत चेंडूच्या मागे धावतोय. चेंडूला अडवणार. चेंडूची फेकी करणार. तत्पूर्वी मात्र या ठिकाणी तीन धावा पूर्ण केल्यात. तीन धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्यात. या तीन धावेच्या बरोबर धावा धावा 39 धावा धाव फलकावरती लावल्या. 40 धावांचं आव्हान ठेवलंय जांबरुंग संघासमोर. 4 षटकांमध्ये नक्की दीपक तांडे सरासरी राखावी लागणार. सुलेमान खान सरासरी राखावी लागणार. नियोजन पाहायला मिळतंय. आई एक्विरा ग्रुप या ग्रुप कडून खरोखरच याच दरम्यान आज महाशिवरात्रीचा कार्यक्रम प्रत्येक गावागावात आणि साजरा होतोय. परंतु उद्या मात्र या ठिकाणी आपल्या राजाची जयंती खरोखरच प्रत्येकाच्या हृदयात मनात बसलेला राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांची उद्या जयंती. त्यांना माझ्या ठिकाणी मी मानाचा मुजरा करतो. वलतो सामन्याकडे पहिलाच चेंडू घेऊन येतो तो ऋषिकेश कर्णिक समोर फलंदाज अमोल पाटील. सुरेख फटका या ठिकाणी. थोडेसे खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते त्या ठिकाणी. आणि हा मता चेंडू जातो सीमा पार चौकार.
सजा आपको भुगतना होगा, एक भी गलती आपके लिए खतरा हो सकती है, इतना ध्यान में रखिए। गेंदबाज तैयार ऋषिकेश, इस बार गेंद को स्टेयर कर दिया, लाजवाब गेंद जा रहा है इस बार पॉइंट के क्षेत्र में, क्या पॉइंट, पॉइंट लाइन के बाहर ये गेंद जाएगी, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग वहां पर, अंपायर का इशारा आना बाकी 4 रन, वाह क्या बात है, कमांड इसे। सलमान खान का जी नजर है ना, पूरे मैदान के चारों ओर फैली हुई है, वो कह रहे हैं कि ये अमोल पाटिल के जो पिताजी है सदानंद पाटिल, वो काफी खुश होंगे, यकीनन होंगे खुश, बिल्कुल खुश होना ही चाहिए वहां पर बैठे वो। पर अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद थी ये, और काफी खराब थ्रो वहां पर, ये भी गेंद जाएगी बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रन। अंपायर धावा, धावा कितनी टोटल, 4 धावा ना, 4 अंपायर रन कितनी टोटल, 4 5 ओके 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 5 धावा, देखिए विक्रम पाटिल के तरफ से यहां पर मारा के पिताजी है विक्रम पाटिल, उनके ओर से अमोल के लिए 200 रुपए का इनाम, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, लेकिन एक रन नहीं रोक पाए, इस एक रन के साथ टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर, गांव देवी जामरू का 14 रन। देखिए अहम मुकाबला है, इस मुकाबले की अहमियत को भीड़ और जामरू के खिलाड़ी जानते हैं कि यह मुकाबला दोनों के लिए कितनी अहमियत रखता है। इस बार देखिए फुलर लेंथ की गेंद, उच्ची अच्छी फील्डिंग वहां पर, डिग हिट करने का प्रयास नाकामयाब, टोटल बनता हुआ 15 रन, बिल्कुल यहां पर सदानंद पाटिल के ये जो सुपुत्र है छा गए मैदान के अंदर, लाजवाब खेल खेल रहे हैं, बिल्कुल सुलेमान खान कह रहे हैं कि अमोल को गेहूं की रोटी खिलाते हैं क्या, इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, ट्रॉफी 2023 की ट्रॉफी लाजवाब आयोजन किया है आयोजकों ने, और एक छक्के के लिए विक्रम पाटिल के द्वारा 200 रुपए का इनाम अनिरुद्ध खांडेकर के लिए, बिल्कुल और एक छक्के के लिए विक्रम पाटिल के द्वारा ट्रॉफी आ चुकी है, मायरा, मायरा के जो उनकी लड़की है उनके ओर से 200 रुपए का इनाम आ चुका है अनिरुद्ध खांडेकर के लिए, एक ओवर के बाद 21 रन आए हैं सुलेमान दीपक तांडेल,
इस बार देखिए अच्छी फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला, एक टिप्पा खाने के बाद बॉलिंग मार्क पर इस बार बल्ले का फर्स्ट गोल, इस बार उड़ाया गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, अमोल के लिए 100 रुपए का इनाम मायरा की ओर से, क्या बात है। जब इसे मायरा फिर लेकर उतरी है मैदान के अंदर, ये भरोसा जताते हुए मायरा के पिताजी विक्रम पाटिल और एटीएम उनका खुला किया करते हुए इस मैदान के अंदर इस एक विरा ग्रुप जामरू ट्रॉफी 2023 में अपना एटीएम खुला करते हुए विक्रम पाटिल साहब, उनका भी हम तहे दिल से यहां पर स्वागत करना चाहेंगे, धन्यवाद अदा करना चाहेंगे उनका। गेंदबाज तैयार, डांस इन द ग्राउंड, इस बार दांडी गोल, बैक टू पवेलियन, अमोल पाटिल कमांड इसे। मात्र अमोल दोन चांगली फटकी खेळल्यानंतर बाद होता है, त्रिफळा चीत होते या ठिकाणी, आणि आता या किती गेले या ठिकाणी 24 धावा करून बाद झालाय तो अमोल, सुरेख फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी आणि या ठिकाणी बाद झालाय, परंतु आज नवीन फलंदाज येतोय तो जामरू संघाकडून निखिल जोशी, चांगली फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते अमोलच्या बॅट मधून, धावा झाल्यात त्या 31 धावा लागल्या धावफलकावर, अजूनही 9 धावांची गरज, उर्वरित चेंडूमध्ये 9 धावांची गरज, सुरेख फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतो व्यवस्थितचा या ठिकाणी निखिलच्या बॅट मधून, एक धाव मात्र मिळते, एकच धाव या ठिकाणी समाधान मानले ते या दोन्ही फलंदाजांनी, आणि यानंतर अनिरुद्ध स्ट्राइकला येतोय, पहिल्याच त्यांनी मागच्या चेंडू षटकार मारतो, या चेंडू सुद्धा षटकार मारला तर 200 रुपये प्राइज या ठिकाणी, जर या चेंडू षटकार मारला तर 200 नक्कीच, या चेंडू षटकार मारला तर 200 रुपयाचं पारितोषिक मायरा हिच्याकडून, सुरेख फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतो या दरम्यान, आणि त्या ठिकाणी जातोय सीमा पार चौकार, धावसंख्या होते ती 1-36, 4 धावांची गरज, आता मात्र या ठिकाणी एकतर्फी सामना पाहायला मिळतोय तो बीड आणि जामरूंग यांच्यामध्ये, पुन्हा एकदा स्प्रेक परंतु चेंडू टाकतो आणि या ठिकाणी षटक संपल्याचं या ठिकाणी मला सांगता येते, पंच जितेंद्र खोपडे, हरीश चंदने मॅच तुमची चालू होण्यापूर्वीच मला परिषदाने सांगितलं होतं का आम्ही हरीश चंदने तर 4 धावांची गरज जिंकण्यासाठी, उर्वरित मात्र 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि या ठिकाणी 4 धावांची गरज, स्ट्राइकला मात्र निखिल जोशी, आता मात्र या ठिकाणी दीपक पाटील स्वतः गोलंदाजी घेत आहेत, कारण मागच्या सामन्यामध्ये शेवटचं षटक त्यांनी टाकायला घेतले, म्हणून त्यानंतर त्यांनी विशालला ती गोलंदाजी, आणि आता मात्र या ठिकाणी चेंडू आपल्या हातात घेतात, काहीतरी समीकरण थोडस त्यांच्या या ठिकाणी रणनीती बदलतात, पहिला चेंडू फुलटोस आणि चेंडू जातो स्ट्रेट सरळ सीमा पार षटकार, आणि या ठिकाणी मात्र सामना गावदेवी जांभरुंग आणि अरमान इरेवन हाड
या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी समारंभ कक्षा समोर यायचे, या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये यायचे. हाळ संघाचा संघनायक आणि गावदे जावन संघाचा संघनायक, दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती.